हमीरपुर जिला के मौदहा कस्बे में वेतन न मिलने से स्थानीय सफाई यूनियन के कर्मचारियों ने हाथों में झाड़ू लेकर नगरपालिका से जुलूस निकाला और नगर नगर भ्रमण करते हुए तहसील परिसर पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन देकर अपनी पीड़ा बताते हुए न्याय की गुहार लगाई। ज्ञापन में बताया गया कि बीते 3 माह से उन्हें वेतन न मिल पाने के कारण उनका परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है और अगर जल्द सुनवाई नहीं होती है तो अनशन व धरने जैसी स्थिति का भी सामना कर सकती है, जिसके जिम्मेदार आला अधिकारी होंगे और आला हुक्मरान होंगे। पहली तारीख को आपको आपको पत्थर आ गया थे आपके अकाउंट में और जिला अधिकारी साहब को भी पत्थर आ गया साहब, अभी तक कोई वो नहीं हुआ भैया। क्या नाम भैया आपका? प्रकाश कुमार। तब ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये सर 3 माह से कर्मचारियों का सैलरी नहीं मिली है, जिससे विगत वर्षों का IPF का भी इनकी जानकारी इनको नहीं प्राप्त हो पा रही है। 3 माह का वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों की ये स्थिति आ गई, भुखमरी के कगार पर है। आज कोटेदार, राशनदार, किराएदार कोई भी नहीं उधार देने के लिए तैयार नहीं है और आज स्थिति यहाँ तक आ गई है कि कोई इनकी सुनवाई करने वाला भी नहीं है, ना ही नगर पालिका से, ना ही कहीं से। उसी विषय में लेकर के हम आज SDM साहब को ज्ञापन देने आए हैं। आज से एक तारीख को हमने एक ज्ञापन और भी दिया था जिस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हम ज्ञापन देने आए कि अगर हमारी 14 तारीख तक समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है तो हम काम बंद हड़ताल 15 तारीख से कर देंगे।